राहुल बेटा ले चाय पी ले। अरे माँ आ गई। माँ चाय ले आई? हाँ। तू कैसे पसीने पसीने हो रही है? अब बेटा काम करूंगी, पसीना तो आवेगा ही। चला बैठ। बैठो ना बाबू, मेरा काम पड़ा बहुत सारा, काम करूंगी मैं। तू चाय पी, मुझे काम करन दे। माँ तू आराम कर ले, काम वो कर लेगी। अरे बेटा अभी नई नई शादी हुई है, कर लेगी काम वो भी। एक काम कर, तू चाय पी ले, उसे भी उठा दे, 9 बजने को जा रहे हैं, सूरज सिर पर चढ़ गया, चाय वाय वो भी ले लेगी। ठीक है माँ। ठीक है, पी ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम चाय नहीं लेके आए? पहले तुम्हें मोबाइल से फुर्सत मिले तभी तो तुम्हें चाय दिखाई देगी। तुम्हें पता है ना बिना चाय के मेरी आँख नहीं खुलती। तो डार्लिंग ले तो आया। ठीक है तुम चाय पियो, ये लो। थैंक यू। ठीक है। रात के 11 बज गए, पता नहीं कहाँ पे रह गए। हेलो। हाँ हेलो। आप कहाँ रह गए जी? अरे वो ऑफिस में आज ज्यादा काम था इसलिए मैं ऑफिस में ही रह गया। तुम्हारा ऑफिस भी? अरे खाना खा लिया तुमने? हाँ मैंने खाना खा लिया है, और आप आके खाना खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। और मुझे डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप आके सो जाना। कहाँ रह गया अब लोर ना आया? इतनी रात होगी और दिन तो जल्दी आ जा, आज कहाँ रह गया पता ना। मेरा तो मन भी बड़ा घबरा रहा, इतना ही आता ना, इतने मेरे चिंता लगी रहे। कितना रोड चला है बाहर है, पता न क्या बात पैदा होगी। मैं भी क्या सोच रही हूँ। माँ तू अभी तक सोई नहीं है? अरे बेटा तू बाहर रह, भला मुझे कैसे नींद आ जाओगी? तू घर पर आवेगा जब तो मुझे नींद आवेगी, तुझे सुहा के जब तो सोऊंगी मैं। फिर तो माँ तूने खाना भी नहीं खाया होगा। अरे बेटा मैंने तेरे बगैर कभी खाना खाया? और जब तक बच्चा भूखा रहे माँ कैसा खा लेगी खाना? तुझे सारी पता, तेरे बिगर तो मैंने आज तक खाया ही ना है। चल तू चल माँ, आ खाना खाते हैं। चल।
जरा पकड़ना माँ, जल्दी पकड़ो। अजी सुनो, सुनो तो, लो आपका खाना। स्वाति तुम कितनी अच्छी हो, मेरा और मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम नहीं होती तो हमारा कौन ख्याल रखता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, ठीक है? लाओ। बहू तेरी अच्छी बात ना है। क्या अच्छी बात नहीं है? अरे बाद में तो तू कुछ और रंग दिखावे अपना, और उसके आगे कुछ और दिखा रही है। आंधे आज मेरे बेटे को, आज तेरी सारी करकूत बता दूंगी। ठीक है बता लेना, वो तुम पे भरोसा करेंगे मेरे पे भरोसा करेंगे? अरे माँ हूँ उसकी, भरोसा कैसे ना करेगा, 9 महीना पेट में रखा पाला मैंने उसको, बेटा मेरा। जो इंसान मेरी आँख में आंसू तक नहीं देख सकता, वो तुम पे भरोसा करेगा, वो मेरे पे भरोसा करेगा? देखती हूँ आज, आज आन दे सीधा मेरा राहुल, और उस सीधेपन का तन्ने ठा रखा फायदा, तन्ने बना रखा उसका बेवकूफ। ठीक है माँ, ज्यादा बकवास मत करो, बहुत काम पड़ा है, ये काम कर लो। और ये रसोई में बर्तन रखे ये भी धो लेना। 4 दिन आई गुना हुई, अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। बता मेरे से काम करवा रही है, नु कह रही बर्तन पड़े सिंह में, मैं जैसे इसकी नौकरानी हूँ। माँ जी। अरे मीनाक्षी आजा बेटी आजा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और सब ठीक ठाक? सब ठीक है, तू कहाँ रही इतने दिन तक? माँ जी मैं अपने घर चली गई, एक तो घर का काम ज्यादा सा हो रहा, जब घर चले जावे काम तो ज्यादा फैल जावे ही आके। और माँ जी सब ठीक है यहाँ पर? हाँ तो सब ठीक है, तेरे पीहर में भी सब ठीक है? हाँ माँ जी सब ठीक है। तेरे मम्मी पापा सही है? हाँ मम्मी थोड़ी सी बीमार बीमार सी हो गई थी, वैसे अब सब ठीक है। ए मीनाक्षी। हाँ माँ जी। फूलकली की बहू भी सही है, कर रही है उसकी सेवा पानी है ना? बस क्या बताऊँ माँ जी, जब से उनके घर में बहू आई है ना, उस बहू ने लगाया किसी काम के भी हाथ। इस बुढ़ापे में भी उन्हें सारा काम खुद करना पड़ रहा है, ये उम्र कोई उनकी काम करने की थोड़ी ना है। आज तेरा भला हो जा। और माँ जी भाभी जी की बताओ, भाभी जी आपकी सही सेवा पानी कर रही है नहीं कर रही है? ना मीनाक्षी मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सांझ को मेरे पैर दबावे मैं तो सो भी जाऊं, और बिचारी पता ना कब तक दबाती रहे, सवेरे को फिर पांव छूएगी, और तो और मेरे नहाने का पानी गर्म दर देगी बाथरूम में, और कपड़े से लगा के झाड़ू पोछे तक मेरी बच्ची सारा काम करे। मैं तो नू कहूं भगवान परमात्मा ऐसी बहू सब देवे जैसे मेरे आई है। ए छोड़ इन बातों को, मैं भी के बात लेकर बैठगी, तू नू बता तू किसी काम से आई थी क्या? हां मां जी मैं तो बस ऐसी मिलने को आ गई, मिलने को जी सा कर रहा था तुमसे, गांव से आई थी अपने, मैंने कहा मां जी से मिल आऊं। अच्छा मां जी अब मैं चलती हूं। बैठ, चाय मंगवाऊं बहू से? ना बस अब मैं मां जी चल जी तेरा बनी रहे। कितनी संस्कारी बहू है, काशी मेरे घर में आ जाती तो मेरे सारे दिल दर्द हो जाते। माँ जी आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पोछा लगा रही हूँ, पता है कितनी मेहनत लगती है, खुद तो सफाई करने आती नहीं है, गंदा करने चली आती हो, ये चप्पल भाई उतार आती तो। ए बेटी मुझे एक गिलास पानी दे दिए। तुम्हें पता है ना मैं काम कर रही हूँ, खुद उठ के ले लो जाके, ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे ये कैसी बहू है, बीमार को भी एक गिलास पानी नहीं दे सकती। हाय ऐसे तो ये मुझे मार ही देगी। हाय 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 अरे राम। हाय कैसे उठूं?
अरे मैया, अरे मुझे चक्कर आ रहे करा रहा। ए लाली, ये मुझे उठाइए, मेरा तो पाँव टूट गया दिखे। ज्यादा ड्रामा मत करो, खुद तो काम करती नहीं हो, मुझे भी नहीं करने देती, बैठ जाओ चुपचाप। अरे मेरे से तो उठाना जा रहा, अरे मेरे राम, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा। माँ राम राम। राम राम, बैठ जा। तू कैसे बैठी है? के बताऊं भैया तुझे? क्यों, क्या होगा? के बताऊं बेटा? कुछ तो बता। आज भैया मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। अरे कुछ हुआ भी, बताएगी भी? तेरी बहू की ये क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ। टाइम पे इन्हें खाना देती हूँ, टाइम पे इन्हें पानी देती हूँ, टाइम पे इनका सब कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे ये ताना देती है। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, पड़ोस की मीनाक्षी के सामने मेरी चुगली कर रही थी और कहती है मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। क्या मैं इस घर के लिए कुछ भी नहीं करती? तू रो क्यों रही है? मैं तेरे साथ हूँ ना, चिंता क्यों कर रही है? माँ मुझे तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा मैं अपने सर की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ऐसी इसकी कुछ भी बात नहीं करी, मैं उसके सामने तारीफ ही कर रही थी इसकी, और ये झूठ बोल रही है तेरे सामने। पर जैसे भी कहा ना, गलत कहा। आ चल स्वाति। चार दिन आई हुई है, इसका विश्वास कर रहा है, और मैंने 9 महीने पेट में रखा। बाईस साल का कर दिया पाल कर, इसकी ब्याह सगाई कर दिए, मेरा विश्वास नहीं करा रही इसने। क्यों माँ जी, बहुत कहती थी मेरे बेटे मेरे पे विश्वास करे, करवा लिया विश्वास? ए तू मेरा मुंह मत लगा, जा चली जा। कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारे पास भी आके नहीं बैठने दूंगी। जा, मुझे भी ऐसे बेटे की जरूरत ना जो माँ पे विश्वास ना करे। अब खा लियो मेरे हाथ की टिक्कर। ये तो मुझे पता, तू कैसे मुझे रोट खवावेगी, मुझे ना तेरे टिक्कड़ों की जरूरत। और तू के माँ का दिल दुखा रही है, एक दिन तेरे भी औलाद होगी। जब तेरा दिल दुखेगा ना, जब तुझे पता चलेगी हाँ माँ का दिल क्या होवे। माँ, 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 यूँ कैसे गुस्सा हो रही है? आजा बेटा बैठ जा। अरे बेटा कुछ गुस्सा ना हो रही। अरे कैसी भी ना बेटा, जब से इसकी शादी हुई है, जब से यू कहीं गई ना, यू अपने घर भी ना गई। तू एक काम करी से घुमा ला कहीं, ले जा। माँ तुझे भी पता घर के हालात कैसे चल रहे हैं, और मेरे पे पैसे भी नहीं है। अरे पैसा मेरे पेंशन क्या है, उन्हें ले जा, जा। चल तू कह रही है माँ ठीक है। कैसे गुस्से में हो, क्या हो गया? तुम्हें पता है मैं क्यों गुस्सा हूँ? आज हमारी शादी को 4 महीने हो गए, कभी कहाँ है तुमने घूमने चले? तुम्हें तो बस अपना काम दिखता है, अब मुझे इन 4 दीवारों में बंद करके रख दिया। तुम गुस्सा क्यों करती हो, अब की बार में तुम्हें घुमाने जरूर ले जाऊंगा। अरे बेटी नाराज मत हो, मैंने कह दिया इससे ले जाओगे तुझे घुमाने। माँ जी ऐसा है, हमारे बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी मैं तो पैसे देने आई थी। इन 1000 रुपए का क्या होगा, इनसे तो अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। जो मेरे दौड़ते वो मैंने दे दिए, मैं कहाँ से ला के दूँ? ठीक है माँ, अपना काम करो जाके। मेरी माँ को धक्का मारा? अरे मत ना मारे इसे। रहमान जैसे मार के छोड़ेगा क्या? अलग हट जा माँ, मैं इसे जान से मार दूंगा। तुझे मेरी कसम है जो तन्ने एक भी हाथ लगाया इसके। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे गलती हो गई। माँ चल चुप हो जा। माँ सब इसके ड्रामे है, तो रहने दे तू इसे। तू चुप कर, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो चल।
कोई बात ना, सब समझ आ जाओ। रो मत ना, चुप हो जा, चुप हो जा। सब सही हो जाओगे, चल कोई बात ना। माँ मुझे माफ कर दो। चल चुप हो, चल बेटा चुप हो, चुप हो।